लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पर मुहर भी लगी। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में किसानों को सौगात मिली है। हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सके। सीएम योगी ने जनपद मथुरा में जुगसना, बलदेव, बरौली, कैलाश NH2 मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के लिए 53,26,39,000 की स्वीकृति दी है। शहर हाथरस में नगर पंचायत सादाबाद पेयजल योजना से संबंधित परियोजना के सुगम के लिए 56,76,34,000 की स्वीकृति दी गई है।